सीमी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें बताऊंगी, जहां मर्जी जाओ। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? बता देने में कोई हर्ज नहीं, इस तरह सबको परेशानी होती है। अच्छा, ज्यादा टटर टटर करने की जरूरत नहीं है, आपा बना के रखा है तो उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। चलो मुझे ना बताओ, अरसलान की खातिर, उसे तो पता होना चाहिए कहाँ गई हो। क्यों, अरसलान कौन है? मैं इंसान और इंसान आजाद पैदा हो, मैं जहां मर्जी है जाऊंगी, जहां मेरा दिल चाहेगा रहूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई मेरा एहतसाब नहीं कर सकता। सुना तुमने, मुझे रोकोगे? हटो यहां से। अपा जी की पट्टी करानी पड़ी है, 3 टांके लगे हैं, मैं उन्हें अपने साथ ले गई थी। I too am terribly worried, Nosheen, लेकिन क्या कर सकते हैं? अरसलान भाई, सीमी आपको प्यारी है तो मुझे भी बहुत प्यारी है, मेरी भी उसमें जान है। मैं जानता हूँ। आप समझते हैं कि आप उसे लुक आफ्टर कर लेंगे, आप उसे नॉर्मल बना लेंगे? नामुमकिन। मैं समझती हूँ कि ये नोमी वाला वाक्या नहीं है सिर्फ, खुदा जाने बचपन की वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जिन्होंने अफसर उठाया, पकड़ के वाज आपा जी को दे मारा, है कोई तुक भला? रोशन, she is overcome with grief. छोड़े अरसलान भाई, कब तक एक्सक्यूजेस पेश करते रहेंगे आप, कब तक उसे समझाते रहेंगे? पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा खून खुआर हो जाए, पता नहीं अपने गिल्ट में मुब्तला होके वो खुद अपना ही नुकसान कर बैठे। देखो नौशीन, प्लीज, अगर उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अरसलान भाई, आप उसे मेडिकल केयर दें, आप उसे किसी साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? एट द अर्लीस्ट आप वक्त जाया कर रहे हैं। मक्खन खो गया मेरा बाबा, सो गया आएंगे लाल टोपी लाएंगे, सो जा बेबी सो जा, लाल बनके सो जा। तुझे क्या पता मैं क्या कुछ छोड़कर तेरे पास आती हूँ, पता नहीं तू कब बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, मुझसे बातें करेगा। बेगम साहब, इनके तो दिन ही दिन लगा दिए। मेरी सास बोले रहा करी कि बेगम साहब ने बच्चा बसा दिया भागनी। ये भागनी मत बोल, बेगम साहब नाराज होवे, मिठुआ की नींद खराब होवे। हमारे बच्चों की क्या नींदे, क्या भूख है, नू ही फल जाए माँ कमली की गोद में रुल खुल के। उड़ाता कभी तो ऊपर वाले का शुक्र अदा कर दिया था भगवान। अरे ये रुल खुल के तो जरूर पले, लेकिन जो माँ की मोहब्बत मिली रहे मुफ्त माँ। हाँ, यू तो ठीक कवे है बिल्कुल। ए भागड़ी। जी मामा। इमका जो मैं बंदर ने थाने शहर गया तो एक कोठी देखी, कोई एक कोठी देखी रे ननवा, उरा उधर शहर में तो जिधर देखो कोठियां ही कोठियां नजर आवे। वह कोठी मेरे दिमाग में बस गई रे। मामा वहां मुझे भी साथ ले जाए। चलोगी? सब चलोगी, दिखाऊंगे सबको। अरे बेगम साहब की कोठी है वह तो। अरे तुम्हें कैसे पता चला रनवा? बेगम साहब, बंदर वाला 2 बदरी में दिन गुजारे, मेरा अब्बा कहत रहा नंदवा ते बंदर पाल ले जाए रीछ न झाले, तेरी रोजी गली गली खिंदी रवे, चल चल के चोगा इकट्ठा करना पड़े। नहीं पर
ये बताना, तुझे पता कैसे चला कि वो मेरी कोठी है? हम नल पे पानी पीवे, आप बरामदे में खड़ी हो गए, दूर तक के जाने क्या सोचे। तुम अंदर क्यों नहीं आए? पहले सोचा भीतर जाके सलाम ले लूं, फिर मन में सोचा ननवा जो बेगम साहब झुग्गी में सलाम ले लेवे तो उसका मतलब ये नहीं कि उधर भी पहुंच जा रोटी कपड़ा मांगने को। अरे शरम आ गई तुझको ननवा? शरम बुरी चीज है, जिसको आवे उसको भी जीने ना दे, जिसको ना आए उसको भी जीने ना दे। बेगम साहब ग्वारे की फलियां खाओगी क्या? हाँ। क्या, किसकी फलियां? ग्वारे की, सरसों के तेल में पकाई हुई, लाल मिर्च कूट कर डाली है, खा ले बड़ा स्वाद है इसमें। हाँ पानी तो जल्दी जल्दी जल्दी। मजे की, अच्छी लगी। तुम चुप रहो अदनान, ना तुम्हारी शादी हुई और ना ही तुम औरतों के बारे में कुछ जानते हो। ठीक है, मैं नहीं जानता औरतों के बारे में, लेकिन मैं अपनी सीमी भाभी के बारे में जानता हूँ अच्छी तरह। स्वा जानते, उसे कोई भी नहीं जानता। जब वो पहली बार शादी के बाद इस घर में आई थी ना, तो उसने आते ही मुझे कहा था कि आपा जी ये मुझसे कोई ना पूछे मैं कहाँ जा रही और कहाँ से आ रही, तभी मेरी आपकी दोस्ती रह सकती है। आपा जी आप लोग भी तो सोचे ना, देखें अगर हम लोग नौमी की जुदाई में पागल हो रहे हैं तो वो बेचारी तो माँ है। मानता हूँ वो अब नॉर्मल हो गई है, अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम बर्दाश्त करें, हमें चाहिए कि हम उसके साथ हमदर्दी करें। लो हमदर्दी करो तो वो कहती है कि मेरी प्राइवेसी में दखल दे रहे, उससे दूर रहो तो कहती है मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। अब बताओ कोई करे तो क्या करे? तो नुकसान भी तो उसका होगा ना बेचारी का, हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। सोचिए ना, चोट भी तो उसके दिल पे लगी है। आप भी तो कुछ बोलिए नौशीन आंटी, आप तो बस खामोशी से सुने जा रही। एक तो तुम मुझे आंटी आंटी कहना बंद करो ना, तो मैं कोई बात करूं। अपनी तरफ नहीं देखते, ऐसे लगता है जैसे 7 साल से फाइनल में फेल हो रहे हो और मुझे आंटी आंटी बनाया हुआ। ठीक नौशीन, ठीक कहती है, उसका इलाज होना चाहिए। मैं तो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं किसी दिमागी इमराज के डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा उन्हें, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा लंदन। आप देखिएगा वहां जाके सब कुछ भूल जाएंगे दिनों में। और तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर? भाड़ में गए जी फाइनल सेमेस्टर, और यूं भी मैं बकौल आपके 7 साल से तो फेल हो ही रहा हूँ, तो 1 साल अगर और जाया हो जाएगा तो कोई क्यामत तो नहीं टूट पड़ेगी। एक तो इस घर का कोई बड़ा नहीं है, ना कोई पीर ना कोई उस्ताद, सबके सर पर आना की कलगी लगी हुई है, सब समझते हम ठीक है, तो मामला निपटे कैसे? अपा जी आप बड़ी है ना सबसे, आपसे बड़ा कौन है वाला? मैं बड़ी हूँ तो बात करने दो ना मुझे। ठीक है नौशीन, सिमी के ले जाओ किसी डॉक्टर के पास, उसका इलाज होना चाहिए। पानी सर से गुजर गया तो देखो 3 टांके लगे, कल को कुछ और भी हो सकता। कौन कहता है कि उसे गम नहीं है, लेकिन गम का इजहार मुक्के मारने से तो नहीं होता। जब इंसान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए तो सबको मिलके बल्कि फर्दन फर्दन अल्लाह से अर्ज करनी चाहिए, अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि खुद सीमी को भी इस थेरेपी का बहुत फायदा होगा। रहबर अंकल, आप सब मिलकर एग्री करें। हम किए हुए नौशीन, सीमी जी आप कहां से आ रही और किससे पूछ कर गई? पहले तो मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। पूछा उससे नहीं जाता जिस पर एतमाद होता, और जो एतमाद को मजरूर करता उससे पूछताछ होती है और जरूर होती। वो सीम भाभी, असलान भाई, हम सब लोग देखे ना सब कितने परेशान हैं, और फिर आप तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। मैं मानती हूं
मुझे इतराफ है कि मैं कसूरवार हूं। आपा जी, मैं तो इतनी कसूरवार हूं, इतनी गुनाहगार हूं, मैं इतनी जलील हूं आपा जी कि मैंने अपने नोमी को खुद मार दिया। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज आपा जी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए ना आपा जी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए ना आपा जी, प्लीज आप लोग मुझे। बेचारी सीमी, यही तो मुश्किल है, कभी तो ये विद्रॉल का शिकार हो जाती है, कभी एग्रेशन पर उतर आती है, और कभी कभी आंसुओं में डूब जाती है। हम इसकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे? यूं लगता है जैसे काले स्याह बादल हैं और उनमें सफेद बड़े बड़े दांतों वाले चीते हैं और वो ताजा हिरणों का गोश्त खा रहे हैं। फिर वहां हीर आती है, उसके हाथ में चूड़ी है और दूसरे हाथ में एक रंगीन बड़ी खूबसूरत सी पंखी, तो मैं उसकी पंखी उसके हाथ से छीन कर उन चीतों पर पिल पड़ती हूँ और उन्हें इतना मारती हूँ कि वो ताजा हिरणों का गोश्त खाना छोड़कर तो बेहोश हो जाते हैं। और उन मरे हुए हिरणों में एक हिरनोटा है, उसकी शक्ल मेरे नोबी से मिलती है, उसके बाद मैं एक लंबी चीख मारती हूँ। ये ख्वाब आपको हर रोज आता है? पहले हर रोज आता था, अब बुध के भूत आता है। अच्छा ये बताइए, चीख मारने के बाद आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं करती? चीख मारने के बाद मैं अपने आप को हलाक कर देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे में इतनी ताकत ही नहीं होती कि मैं खुद को खत्म कर सकूं। देखिए बेगम साहब, आप पर बहुत से लोगों का हक है। अच्छा, मुझे इखलाक समझाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आपका अपने आप पर भी हक है, आपकी अपनी जात और अपने वजूद। You don't understand, doctor. I hate myself. I hate my vajood. I hate myself. बात यह अरसलान साहब कि अब मामला इख्तियार से बाहर निकलता जा रहा है। इख्तियार में तो जब भी